अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर नाजिया प्रैक्टिसिंग एट बेव्यू हॉस्पिटल। आज मैं आपसे पांच कुछ ऐसी टिप्स शेयर करना चाहूँगी रमज़ान के हवाले से, जो आपकी सेहत, आपकी रूटीन और रोज़ों के लिए मुफीद साबित होंगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर वन, द फर्स्ट थिंग जो आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, जैसे कि गर्मियाँ हैं, समर्स, उसमें सबसे ज़्यादा ड्रेसिंग, यू शुड वेयर लाइट कलर क्लोथ्स। डार्क कलर्स, ब्लैक, ये कपड़े आपको अवॉइड करने हैं। अगर आप डार्क कपड़े पहनते हैं तो वो हीट अब्सॉर्ब करेगा, वो आपका बॉडी टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ा देगा। सबसे पहली चीज़, आपको लाइट कपड़े पहनने हैं, लाइट कलर क्लोथ्स, लाइट फैब्रिक दैट कुड बी कॉटन, लॉन, अवॉइड पॉलिस्टर, अवॉइड थिक फैब्रिक्स एंड डार्क कलर्स। दूसरी चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी वो है डाइट के हवाले से, जिसके लिए सभी लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं। डाइट में सबसे पहले आपको ख्याल रखना है कि लो कार्बोहाइड्रेट, रिच इन विटामिन एंड मिनरल। लो कार्बोहाइड्रेट से मुराद है कि आपको राइस कम है, आलू, राइस, स्किन्ड चिकन, ये चीज़ें आपको कम लेनी है, घी, बटर, ये भी कम कर दीजिए अपने डाइट में। जो चीज़ें आपको ज़्यादा लेनी है वो है वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट जूसेस, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, और आपको विटामिन और मिनरल रिच फ्रूट्स लेने हैं। तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो है वर्कआउट के हवाले से। वर्कआउट के लिए एवरीवन इज़ कंसर्न्ड, यूथ, आर यूथ इज़ मोर इनटू इट, इवन बड़ों को भी वर्कआउट के हवाले से कंसर्न होना चाहिए अपनी हेल्थ के लिए। सभी को वॉक करना चाहिए और वर्कआउट। अब वॉक और वर्कआउट का बेस्ट टाइम है 1 से 2 घंटे आफ्टर अफ्तारी। उसकी वजह यह है कि अगर आप फ़ौरन अफ्तार के बाद वर्कआउट के लिए जाते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन इज़ टूवर्ड्स योर स्टमक विच ड्यू टू मेटाबॉलिज्म इंक्रीज, तो आपने वॉक या एक्सरसाइज अफ्तार के 1 से 1.5 घंटे बाद करनी है। द फोर्थ थिंग वील बी डिस्कसिंग इज़ अबाउट हाइड्रेशन। Hydration is very important for your body, for your skin. As it is summer, your body loses water in the form of sweat. So what you can do is keep yourself hydrated. Pani ka zyada istemal karna hai, fresh juices ka. Iftar aur sehri ke beech mein jo time hai, usme aap thoda thoda aadha aadha glass pani ya fresh juice peete rahiye. Ye aapki body ko hydrate rakhega, energy dega. Ek aur cheez aap kar sakte hain, wo hai detox water. इट विल डिटॉक्सीफाई योर बॉडी, क्योंकि रमज़ान में आप सभी फ्राइड थोड़ा बहुत ले ही लेते हैं, तो इसमें आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सीफाई कर सकते हैं बाई मेकिंग डिटॉक्स वाटर योर सेल्फ एट योर होम। इसका तरीका ये है कि आप 1 लीटर पानी ले लीजिए सहरी के टाइम पर, उसमें आप एक लेमन विथ स्किन कट इन टू स्लाइस पोर इन टू वाटर, मिंट के कुछ पत्ते ले लें, एक स्मॉल पीस ऑफ जिंजर एंड ककम्बर, उसको भी आप विथ स्किन स्लाइस में काट के उसमें डाल दीजिए। वो पानी आप सहरी में रख दीजिए, अफ्तार के टाइम पे उसको इस्तेमाल करें अफ्तार से सहरी तक। यू कैन टेक दैट इन द फॉर्म ऑफ सिप्स, वो आपकी बॉडी के अंदर हाइड्रेशन भी मेंटेन करेगा और डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करेगा। अच्छा, पांचवी चीज़ हम आपको हेल्दी सहरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो सहरी में हेल्दी, यू शुड टेक हेल्दी सहरी। उसके लिए दही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको फ्रेश जूसेस लेने हैं सहरी में, जो भी मौसमी फल आया है उसका आप एक पीस ले सकते हैं सहरी में। आपको पराठे की जगह यू कैन टेक चपाती और ब्रेड। अच्छा, ये सहरी शुड बी हेल्दी, रिच इन विटामिन एंड मिनरल, लो इन कार्बोहाइड्रेट्स। अक्सर लोग ये करते हैं, रात को जो बचा हुआ खाना होता है वो सहरी में कंज्यूम कर लेते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। यू शुड हैव अ लाइट एंड हेल्दी सहरी। व्हाट यू ईट टुडे इज़ द वे यू लिव टुमारो। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, सो अपना रूटीन चेकअप करवाते रहिए। गेट एंड कीप एन आई ऑन योर ब्लड शुगर लेवल्स, ऑन योर ब्लड प्रेशर्स। अगर आपको कोई भी ऐसी कंप्लेन होती है तो आप फ़ौरन अपने करीबी हॉस्पिटल जाएँ। अवॉइड सेल्फ मेडिकेशंस। थैंक यू वेरी मच। पूरे रमज़ान के महीने हम आपसे ऐसे ही टिप्स, स्किन, डाइट, हेल्थ के हवाले से शेयर करते रहेंगे। सो लाइक आवर पेज एंड सब्सक्राइब ऑन यूट्यूब। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग योर हेल्थ, योर डाइट प्लान, हेल्दी सहरी, हेल्दी अफ्तार, यू कैन मेंशन योर क्वेश्चन और योर क्वेरी इन द कमेंट। वील श्योरली लुक इनटू दैट एंड वील रिप्लाई। थैंक यू।